सूरज जी भी ओबीसी के एक रामदेव बाबा हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया था आपने उस पर कई बार बात भी करी थी, डिबेट भी करी थी, लेकिन उनका इस तरीके से स्टेटमेंट आना, बुद्धिजीवी उनको बोला जाता है, रामदेव उनको बोला जाता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कहना नहीं था, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आपके, रामदेव को इस तरीके के स्टेटमेंट देने चाहिए वो या नहीं देने चाहिए या क्या रहता है वो बताएं। रामदेव ने दरअसल माफ़ी नहीं मांगा, उसने घुमाया है, जैसे अम्बेडकर जी, फूले जी, पेरियार जी पर कुछ नहीं बोला अभी तक, उसने पेरियार को जूते मारने की बात कही, जूते मारने की बात बनाई है, इतनी बदतमीजी की है, ये शायद भूल चुका है, इनके बाप भी उस दौर में थे जिस दौर में पेरियार अच्छे अच्छे को जूते बजा दिए थे, और तुम हमसे असहमत हो, हम तुमसे असहमत हैं, ये लोकतंत्र है, तुमने गोबर को गणेश बना दिया, हम नहीं मान रहे हैं तो तुम मुझे आतंकवादी कहोगे, इनके औकात कितने हो गए, ये साहस कैसे हो गए, यहाँ के मूल निवासियों को, जिन्होंने इस देश के सभ्यता को बनाया, जिन्होंने इस देश के कल्चर को बनाया, जिन्होंने इस देश के बंजर भूमि को जोत करके खेती करने लायक बनाया, जिन्होंने संसाधन लिया, आज वो निहत्थे लोग आज वो आतंकवादी हो गए, तुम बंदूक के दम पर, अपने गोबर संस्कृति के दम पर उनको हड़पना चाहते हो, हरिकार उनको जहील करना चाहते हो, उनको डराना धमकाना चाहते हो, तो रामदेव खुद मूल निवासी है, खुद बहुजन समाज का है, लेकिन हम लोग की लड़ाई एकदम क्लियर है, व्यक्तियों से नहीं विचारों से मिलकर समाज बनता है, अगर रामदेव विचारधारा के साथ हमारे समाज के साथ नहीं खड़ा है और हमें गाली देता है तो हम ऐसे पोगापंथ बाबाओं और नालायक इंसानों के खिलाफ हैं, वो कितनी भी अपने पतंजलि के दम पर हुंकार मार ले, लेकिन वो भूल चुका है जिस दिन बहुजन समाज के लोग पतंजलि का बहिष्कार करेंगे तो वास्तव में जिस इंटरनेशनल भिखारी से इंटरनेशनल व्यापारी बना है तो फिर इंटरनेशनल व्यापारी से इंटरनेशनल भिखारी बन जाएगा और भाजपा उसको पूछे तक नहीं। आपसे मैं बात, सूरज बावजी जिन्होंने बोला कि रामदेव जैसे जो है लाला हैं ये लोग जो बिजनेस करते हैं अपना, और इनको कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके के महान पुरुषों के ऊपर कोई उंगली भी उठाए। धन्यवाद सूरज जी, आपने हमारे चैनल से बात की। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।